बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से खबर, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति के मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से जांच की अनुमति देने की मांग की है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने। जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, संचार प्रमुख सुशील आनंद सहित तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल से जांच की अनुमति देने की मांग करने के लिए रुख किया है कांग्रेस के नेताओं ने। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति जांच मामले में कांग्रेस अब एक बार फिर इसे मुद्दा बना रही है और कांग्रेस ने आवाज बुलंद की। कांग्रेस पार्टी ने यूडब्ल्यू और एसीबी को डॉक्टर रमन सिंह के अनुपातहीन संपत्ति के विरुद्ध शिकायत की थी। प्रथम दृष्टया जांच के उपरांत जांच एजेंसी ने पाया कि शिकायत सत्य प्रतीत हो रही है, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए शासन की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है राजभवन, जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। आज ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल महोदया से आग्रह करने आए हैं कि शासन के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। देखिए, ऐसा है कि रमन सिंह जी की संपत्ति की जांच ईओडब्ल्यू और आर्थिक अन्वेषण विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है और उसके बाद में प्रथम दृष्टया जो आवेदन मिला था उनको, उसके आधार पर जांच चालू की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए महामहिम राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। वो वहाँ पे लंबित है राज्यपाल के पास में। उसी संबंध में हम आज रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गिरीश दुबे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आए हैं और महामहिम से हमने यह ज्ञापन में मांग किया है कि तत्काल अनुमति दें। हम रुक करेंगे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए बातचीत करने के लिए खबर पर। कुलेश्वर, क्या मांग की है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने? देखिए, दरअसल ये मामला आय से अधिक संपत्ति का मामला, आपको याद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह, इन्होंने ही लगातार जांच की मांग उठाई थी और सीएम को एक पत्र भी सौंपा था, जिसके बाद जो है ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करी। हालांकि ये जो आगे की जांच है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे और साथ ही उनके एक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस मामले में आगे जांच की अनुमति दे, क्योंकि जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी आगे और इस मामले में जांच नहीं हो सकेगी, क्योंकि रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी है, वर्तमान में वो विधायक भी है। तो कहीं ना कहीं अनुमति के लिए आग्रह जो है आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है और निश्चित तौर पर देखना होगा कि अनुमति मिलता है कि नहीं मिलता आगे कार्रवाई करने। जी बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर, बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए।